हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं भेजता हुआ फ्राई मसाला। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं ये। इसके लिए हम थोड़ा वेजिटेबल्स ले लेंगे। इसके लिए मैंने 5 से 6 हरी मिर्चियाँ ली है, 4 छोटे बैंगन लिया है और 7-8 ऐसे भिंडी ले लेंगे। और यहाँ पे 2 उबले हुए आलू और 4 उबले हुए अरबी, इसको काट लेते हैं। पहले पील कर लेते हैं हम आलू को। पील करने के बाद इसको बड़े बड़े पीसेस में काट लीजिए। फिर अरबी को भी पील कर लेते हैं, उसका छिलका बॉइल्ड हुआ है, इजीली निकल जाएगा। फिर इसके बाद इसको भी काट लीजिए 2 पीसेस में। मैंने यहाँ पे ऐसे लंबाई में काटा है, आप चाहे तो मिडिल से भी काट सकते हैं 2 हाफ्स में। अभी हम बैंगन काट रहे हैं, उसका स्टेम को थोड़ा काट देते हैं, आप चाहे तो इसको रख सकते हैं। और इसके बाद इसको ऐसे 4 पीसेस में काट देते हैं और चेक कर लेते हैं। अभी भिंडी काटते हैं, भिंडी को हेड और टेल से काट दीजिए और मिडिल में से एक कट लगा दीजिए पूरा एंड तक ऐसे। ये मिर्ची तीखी वाली नहीं है, ज़्यादा तीखी नहीं होती है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको भी ऐसे बीच में ऐसे कट लगाइए, अब चाहे तो आप बीज भी निकाल सकते हैं। अभी हम हाई फ्लेम में सारे अरबी और आलू इस सबको फ्राई कर लेते हैं क्रिस्प होने तक, मतलब थोड़ा हल्का गोल्डन ब्राउन दिखना चाहिए, तब तक हम अरबी और आलू को हाई फ्लेम में पका लेते हैं। इसको डीप फ्राई कर दीजिए और निकाल दीजिए। फिर सारे वेजिटेबल्स फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ पे बेबी ब्रिंजल्स को, छोटे वाले बैंगन को भी हाई फ्लेम में पका लिया है, और ये पकने तक पका लीजिए। भिंडी को भी हाई फ्लेम में पका लीजिए तब तक के पकना जाए। चिलीज को भी थोड़ी देर के लिए हम हाई फ्लेम में पका लेंगे। सभी छान लीजिए वेजिटेबल्स। एक मसाला बना लेते हैं। तो 1 टीस्पून ऑफ चाट मसाला लिया है मैंने। इसके बाद ब्लैक सॉल्ट लिया है, स्वाद के हिसाब से नमक, ब्लैक सॉल्ट, 1 टीस्पून कसूरी मेथी क्रश करके लिया है, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून लिया है, काली मिर्च का पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है कलर देने के लिए 1 टीस्पून। इसको हम मिला लेते हैं, अच्छी तरह से एक मिक्सचर बना लेते हैं। अभी इस मिक्सचर को सारे जो फ्राइड वेजिटेबल्स है उसके ऊपर डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा करके, और अच्छी तरह से उससे कोट कर दीजिए। हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से पूरे वेजिटेबल्स में लगा दीजिए। अब हम इसका मसाला ग्रेवी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पैन ले लेते हैं पहले। इसके बाद इसमें 2 से 3 चम्मच ऑफ तेल डाल देते हैं। तेल के बाद थोड़ी सी पिंच ऑफ हींग लिया है, तो एक पिंच चुटकी हींग डाल देते हैं इसमें। अभी हम इसमें खड़ा गरम मसाला डालेंगे। 4 हरी इलायची लिया है, 4 से 5 लौंग डाल दीजिए और 1 इंच का दालचीनी, एक टुकड़ा दालचीनी इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें इसको थोड़ी देर चला लेंगे, जस्ट 4-5-6 सेकंड के पास ऐसे। ये
फिर इसके बाद हम इसमें एक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। ये मीडियम एक कटा हुआ प्याज है, उसको ऐसे डाल देंगे और भुनेंगे इसको जब तक कि प्याज थोड़ा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। देखिए ये पूरा ट्रांसलूसेंट हो चुका है और हल्का गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। अभी हम इसमें एक टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देते हैं। तब तक भूनेंगे जब तक कि जिंजर गार्लिक का कच्चा स्मेल ना चला जाए। एक दो मिनट भूनने के बाद हो जाता है। फिर इसके बाद ये हमने लिया है दो मीडियम टमाटोस, उसको ग्राइंड कर लिया है और उसको इसमें डाल देंगे ग्रेवी के लिए। अभी हाफ टी स्पून ऑफ मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया है। हाफ टी स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, हल्दी का पाउडर ले लीजिए। सॉल्ट जितना आपको चाहिए, याद रखिए पहले वेजिटेबल्स में सॉल्ट मिल चुका है तो अभी सिर्फ ग्रेवी के लिए हम सॉल्ट मिलाएंगे। कोरिएंडर पाउडर, धनिया का पाउडर 1 टीस्पून और क्यूमिन पाउडर 1/2 टीस्पून डाल देते हैं और अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, मसाले को भूनने देते हैं। ये सौंफ का पाउडर है 1 टीस्पून, मैंने एक सौंफ को कूट लिया है और ले लिया है। अगर आपने तावा मसाला यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सौंफ डलता ही है, इसके लिए हम सौंफ पाउडर यहाँ पे यूज़ करेंगे। मसाला भून चुका है अच्छी तरह से, 2-3 मिनट भून लीजिए जब तक मसाला पूरी तरह से ना हो जाए। फिर इसके आखिर में हम ऐसे 10 ग्राम का ये होगा बटर, 1 टेबलस्पून बटर है, 1 टेबलस्पून बटर डाल दीजिए। इसमें अच्छा फ्लेवर आता है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं लेकिन फ्लेवर के लिए हम इसको डाल रहे हैं। मसाला बिल्कुल रेडी है। अभी चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, धनिया का पत्ते डाल देते हैं और मिक्स मिला लेते हैं। मसाला का ग्रेवी बिल्कुल से रेडी है। तो आइए अरेंज करते हैं। एक तवा ले लेते हैं, उसको लो फ्लेम पर रखिए और इसमें ऑयल लगा दीजिए, ड्रिजल कर दीजिए ऑयल और चारों तरफ फैला लीजिए। फिर इसके बाद एक एक करके सारे वेजिटेबल्स अरेंज कर देंगे चारों तरफ, तवा के चारों तरफ वेजिटेबल्स अरेंज कर दीजिए। और इसके बीच में हम जो ग्रेवी मसाला बनाया था वो मसाला डाल देते हैं। आपको जब सर्व करना हो तो थोड़े वेजिटेबल्स ले लीजिए और थोड़े मसाले के साथ मिक्स कर दीजिए। चाहे तो आप इस डिश में और थोड़ा बटर भी डाल सकते हैं और सर्व कर लीजिए मिला के। तो देखिए तवा फ्राई वेजिटेबल्स पूरी तरह से रेडी है। सर्व करते हैं इसको और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।